हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग नेवे का लड्डू बनाना सीखेंगे और इसके लिए पहले सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले देसी घी 1 किलो और चीनी का बूरा 1 किलो, 250 ग्राम बादाम, काजू 250 ग्राम, 250 ग्राम किशमिश, 250 ग्राम तीखूर, 50 ग्राम मखाना, 100 ग्राम गूंद, 50 ग्राम पोस्ता दाना, 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम गरी घिसी हुई इच्छा अनुसार, और यदि आवश्यक समझे तो हल्दी। अब कढ़ाई गर्म हो गई है और हम लोग पोस्ता दाना बिना घी के पहले भून लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल के काजू फ्राई कर लेंगे। बादाम को फ्राई करके निकाल लेंगे। किशमिश को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। गोंद को तल लेंगे, ठंडा हो जाने पर मिक्सी में पीस लेंगे। चिरौंजी को भी तल के निकाल लेंगे। गरी को भी भून के निकाल लेंगे। मिक्सी में गोंद को पीस लेंगे। अब बचे हुए घी में मखाने को हम लोग भून लेंगे। को घी में डालकर पका लेंगे। हमने सारे मेवे को घी में तल के निकाल लिए हैं। सिर्फ काजू बादाम मखाने को मिक्सी में क्रश करना है। हमने सभी मेवों को फ्राई कर लिया है और उसके बाद मिक्सी में डालकर क्रश कर लिया है और उसमें हल्दी का भून के घी में उसको मिला दिया है। सारे सामान जो तैयार हुए हैं उसमें तीखूर भून के डाल दीजिए। अब ये जो तैयार हुआ है उसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार चीनी डालेंगे। अब इसमें हम लोग सौंठ भी डाल देंगे। आवश्यकता पड़ने पे घी गरम करके ही डालिएगा। लड्डू बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद लड्डू है और आप उसको बनाइए और आप लोगों को भी खिलाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।